नमस्कार, मैं पूनम तांगर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आज जुमे की नमाज को लेकर यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाराणसी समेत सभी जनपद हाई अलर्ट पर रहेंगे। ज्ञान वापिस सर्वे को लेकर हाई अलर्ट किया गया है। सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अति संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा। यूपी डीजीपी मुख्यालय से सभी जिलों में अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए। बड़ा अपडेट ज्ञानवापी प्रकरण में। गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आते ही सभी के चेहरे पर खुशी साफ जाहिर हो रही थी। इसी के चलते पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आज जुमे की नमाज है और इसी बीच सभी को सतर्क रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। आज जुमे की नमाज को लेकर यूपी में हाई अलर्ट। वाराणसी समेत सभी जनपद हाई अलर्ट पर रहेंगे। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है और चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। खासकर सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। सिद्धार्थ, आज पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या कुछ प्रशासन की ओर से इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए बिल्कुल पूनम, आपको बता दें पूरे यूपी में इस समय हाई अलर्ट मूड पर है। आज जुमे की नमाज अदा होनी है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर पूरी तरीके से हाई अलर्ट मूड पे है सरकार। और आपको बता दें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई है। सीओ एसआई लेकर सबको कहीं ना कहीं सबको फील्ड में रहने को कहा गया और डीजीपी ऑफिस खुद पूरी तरीके से पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है और किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही नहीं बरती जाए इसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कल ही सरकार ने इसको लेकर देर रात मीटिंग की थी और उसके बाद में सबको आदेश दे दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं आज पूरे यूपी में हाई अलर्ट मूड पर, खासकर बनारस मथुरा प्रयागराज यहाँ पर विशेष सतर्कता बरती जा रही, लखनऊ में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही और सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मूड पे दिख रही है। डीजीपी कार्यालय खुद पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है। एडीजी जोन्स जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एसपी जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कमिश्नरेट पुलिस वो भी पूरी तरीके से अलर्ट मूड पे दिख रही है और गश्त बढ़ा दी गई और बाजारों से लेकर जो धार्मिक स्थल है वहां तक पूरी तरीके से अलर्ट मूड पे दिख रहे हैं, दिख रहा है पुलिस प्रशासन। बिल्कुल सिद्धार्थ, जो पक्ष इस ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर फैसले का इंतजार कर रहा था उसके लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है और गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद लगातार उसमें खुशी की लहर भी देखने को मिली। जी बिल्कुल, ये इसको देखते हुए प्रशासन ने कल खुशी की लहर देखने, कई संत जो संत हैं बड़े बड़े उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी प्रतिक्रियाएं, कई कई राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं हैं तो कहीं ना कहीं उसके बाद अलर्ट मूड पर चली गई है सरकार। और देखिए एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, सरकार की पूरी कोशिश होती है और लगातार इसके पहले भी कई बार ऐसे हुए हैं जब इस तरीके के फैसले आए तो सरकार ने पूरी तरीके से जो कोर्ट का फैसला उसको लागू भी कराया और उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन ने पूरी तरीके से शांति व्यवस्था भी बनाई रखी। तो कहीं ना कहीं आज उसी को लेकर पूरी तरीके से अभी तक जो है वो पूरी तरीके से शांति है और पुलिस आपको हर चौराहे से लेकर नुक्कड़ तक और धार्मिक स्थलों पर खास कर वहाँ आपको देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, आज जुमे की नमाज भी, ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए गाइडलाइन ये जारी की गई, आप नमाज पढ़ के अपने घर जाइए सीधे और कहीं ना कहीं किसी प्रकार से भीड़ न इकट्ठा हो, अनावश्यक भीड़ न इकट्ठा हो, लोग आए नमाज पढ़ें और कहीं ना कहीं अपने घरों को लौट जाए। और इसीलिए इसके प्रशासन ने पूरी तरीके से चेक पॉइंट बनाए गए हैं, आपको आगे चेक पॉइंट के बाद आप आगे जा सकते हैं। गाड़ियों को रोकने की व्यवस्था, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, उसके बाद लोगों को जाने दिया जा रहा है। खासकर जहाँ मिश्रित जनसंख्या है वहाँ पर खास करके ये व्यवस्था की गई है और जो उनके धर्म गुरु हैं उनसे भी लगातार जो प्रशासन के लोग हैं वो लगातार उनसे अपील कर रहे हैं कि आप लोगों समझाएं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मूड पर और ये कोई नई चीज नहीं, इसके पहले भी कई बार इस तरीके के फैसले आए और सरकार ने उसको शांतिपूर्ण तरीके से उसको लागू कराया और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शांति बनी रही। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, एक पक्ष इस फैसले के आने के बाद खुश है तो वहीं दूसरा जो मुस्लिम समुदाय है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जो दूसरा पक्ष है उसका कहना है जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा उसको हम मानेंगे। तो कहीं ना कहीं जब फैसले आते हैं लोग उच्च अदालत में जाते हैं और फैसलों के जो याचिका दायर होती है, कानूनी व्यवस्था है उसको, कानून की जो व्यवस्था है उसके तहत लोग कहीं ना कहीं न्यायालय के शरण में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लेकिन लगातार जो प्रशासन का काम है, जो शासन का काम है, वो काम बखूबी निखार रहा है, लोगों से अपील कर रहा है। जिस तरीके से अलर्ट मूड पर आपको पूरा यूपी समय अलर्ट मूड पर है, खासकर जो कुछ जिले हैं प्रयागराज मथुरा वाराणसी वहां पर विशेष सतर्कता बरती जा रही, एसपी सीओ थानेदार से लेकर बीट सिपाही तक सबको अलर्ट कर दिया गया और सब लगातार कल ही से लगातार क्षेत्र में हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मूड। बिल्कुल सिद्धार्थ, ज्ञानवापी प्रकरण में कितनी सदस्यों की टीम सर्वे के लिए पहुंची है? तो तकनीकी खराबी की वजह से सिद्धार्थ से संपर्क हमारा टूट गया है। तो फिलहाल वाराणसी समेत सभी जनपद में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया। सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है।